हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं उनके लिए कुछ खुशखबरी है। तो वीडियो को पूरा देखें तभी जा कर के समझ में आएगा। अभी तक हमारे देश में कौन कौन वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनिका ने बनाया है, स्पुतनिक रशिया ने बनाया है। एक और है लेकिन वो वैक्सीन नहीं है, इस पे अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2DG जो अभी फिलहाल ने DRDO लॉन्च किया है, इसका फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जो पानी में घोल कर पिया जाता है। ये थोड़े मोड़े वाले लक्षण के लिए नहीं है, ये गंभीर मरीजों के लिए है। इसमें ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत ही कम चांस ही होता है। अब हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत सरकार ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर तक हम 200 करोड़ डोजेज से ऊपर बना करके दे देंगे, जो उस पर अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़, बायोई 30 करोड़, जाइडस कैंडिला 5 करोड़, नोवेक्स 20 करोड़, बीवी नसल 10 करोड़, स्पुतनिक भी 15.6 करोड़। तो ये सब जो वैक्सीन है ये सब अगस्त से दिसंबर तक चांस है कि पूरी तरह से मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।